आलोकनाथ को रेप केस में मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने कहा गलत तरीके से फंसाया गया हो सकता है। मैटू मूवमेंट के जरिए डायरेक्टर और राइटर विंतानंदा के साथ कथित और पर यौन उत्पीड़न का आरोप झेल रहे कलाकार आलोकनाथ को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। विंतानंदा द्वारा लगाए गए आरोपों को मुंबई के सेशन कोर्ट ने गलत बताया है। कोर्ट के इस बयान से आलोकनाथ की मुश्किलें थोड़ी कम हो की संभावना है। मुंबई के दिंडोशी सत्र न्यायालय ने अग्रिम जमानत देने वाले 15 पेज के आदेश में कहा है कि इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरोपी को गलत तरीके से पेश करके आलोकनाथ को फंसाया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि यह बात ध्यान देने वाली है कि विंतानंदा को अपने साथ हुई पूरी घटना अच्छे से याद है, लेकिन यह घटना किस महीने और किस तारीख को घटी यह क्यों याद नहीं है। इस बात का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि यह संभावना हो सकती है कि आरोपी को गलत तरीके से पेश किया गया हो। घटना के 20 साल बाद FIR दर्ज करवाने पर कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 376 रेप और 377 अप्राकृतिक यौन अपराध के लिए केस दर्ज कराने की कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन विंतानंदा के मामले में ऐसे भी कोई रिकॉर्ड नहीं है जो साबित कर सके कि आरोपी आलोकनाथ ने नंदा को केस दर्ज न कराने को लेकर धमकाया हो। पता हो कि आलोकनाथ पर मैटू मूवमेंट के जरिए राइटर और डायरेक्टर विंतानंदा ने बलात्कार का आरोप लगाया था। बता दें 21 नवंबर को पुलिस ने एक्टर के खिलाफ IPC की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इससे पहले ये भी खबर आई थी कि समन से संबंधित लेटर लेकर जब उनके घर पुलिस कर्मी पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिला थे। विंतानंदा ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए लिखा कि एक बार मैं आलोकनाथ के घर पर हुई पार्टी में शामिल हुई। वहां से देर रात 2 बजे के करीब घर जाने के लिए निकली, ड्रिंक में कुछ मिलाया और फिर उनके साथ बलात्कार किया। बता दें कि आलोकनाथ विंतानंदा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करते हुए खुद पर लगे यौन शोषण के आरोपों से साफ इनकार कर चुके हैं।